अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैंने कहा इससे पहले कि ईद आ जाए और इससे पहले कि दोबारा रमज़ान आ जाए और मैं व्लॉग जो है वो शेयर ना करूं, तो ये पहले का बना हुआ था। तो माशाल्लाह मेरी बर्थडे से पहले फराज की बर्थडे आई थी, तो वो जो सारी तैयारी और जो सेलिब्रेशन वगैरह थोड़ी बहुत की थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। बट बिफ़ोर दैट, ये जो सारे मुझे सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। ज़रा सब्सक्राइब करें तो ज़रा यू नो इंसान इनक्रेज भी होता है और मज़ा भी आता है वीडियो बनाने में। एनीवेज़ क्या नाम है, असल मकसद था कि जो प्रिपरेशन थी ना, वो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेडीज़ को आइडिया मिल जाएगा। तो मीट आया, फिर उसे मैंने समेटा, तो सबसे पहले फिर मैंने निहारी पकने रख दी। और अब यहाँ पे जब हमारे घर गोट आती है, मतलब बकरे का गोश्त आता है, तो साथ ही मैं कलेजी उसमें लेती हूँ। तो कलेजी आई हुई थी फ्रेश, तो फिर मैंने कहा चलो इसे जो है ना हाथ के हाथ बनाया जाए, तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ कलेजी। अच्छा, निहारी की रेसिपी, कलेजी की रेसिपी और ये जो बिगनिंग में आपने चॉकलेट केक देखा घर का बेक हुआ हुआ, ये सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी मेरे दूसरे चैनल पे जिसका नाम है हुमैन द किचन। तो वहाँ जाके ये रेसिपीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। तो वैसे तो मुझे पर्सनली यही पसंद है कि जब बिग डे है लाइक सेलिब्रेशन वगैरह, तो वो बाहर जाके की जाए। और इसी बहाने आप कोई नया रेस्टोरेंट वगैरह, कोई नया कुजीन भी आप एक्सप्लोर कर लेते हो। अदरवाइज़ आपको पता है मेरे घर में ज़्यादातर घर ही पकता है। लेकिन फॉर अ चेंज मैं तो वेट करती हूँ सेलिब्रेशन का, तो इस बहाने फिर इंसान बाहर निकलता है और मज़े मज़े के खाने यू नो ट्राई हो जाते हैं। लेकिन इस बार फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो, चूँकि फराज की सालगिरह थी, तो मैंने कहा चलो घर पे ही सारा बनाती हूँ, क्योंकि इनको मेरे हाथ का और घर का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा ये इट्सेल्फ एक तोहफा ही हो जाएगा। तो खैर मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं कि घर पे ये सारी प्रिपरेशन करना और सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता जितना ज़ाहरा वीडियो में नज़र आता है। बहुत एफर्ट लगती है, बहुत प्लान करना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वक्त में ये सब क्लिप्स बने हुए हैं जिनको कंबाइन करके आपको दिखाया जा रहा है। तो केक जो है वो मैंने एक दिन पहले बेक कर लिए थे और ये फिर नेक्स्ट डे मैंने इसको डेकोरेट किया। तो यहाँ पे क्विकली चले आपको बता भी देती हूँ कि केक को फिर मैंने लेयर्स में कट किया, बीच में मैंने ऐड किया है चॉकलेट गनाश की लेयर, और ये जो छोटे छोटे पीसेस थे ये मैंने ऐड की है चॉकलेट हेज़लनट वाली, और ये आ गई फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग सिंपल सी है, विप क्रीम है और उसके अंदर मैंने आइसिंग शुगर और थोड़ी सी गनाश ऐड की, जिसकी वजह से फ्रॉस्टिंग का कलर भी चेंज हो जाता है और जायका भी बहुत इन्हेंस हो जाता है। डिज़ाइनिंग सिंपल सी है, और यहाँ पे अब मैं छोटे छोटे रोज़ेस बना रही हूँ। और ये मेन केक है और एक और केक भी है जो बेकरी से बाय किया हुआ है, सो दो केक्स होंगे। तो केक एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप घर बना रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि वो आप दो दिन पहले से उसका काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक दिन आप उसके जो केक के स्पंज हैं वो बेक करके रख लें, आप उसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप उसे डेकोरेट करें, और सालगिरह से एक दिन पहले केक जो है वो फ्रिज में जाना चाहिए, ताकि सेम डे आप बाकी चीज़ें कर सकें। जैसे कि अब यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ काबली पुलाव, तो यहाँ पे बस चिकन लेग्स हैं और बहुत सिंपल से राइस होते हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। स्पेशली बच्चे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि स्पाइसी नहीं होते। अच्छा, ये सेटअप है, ये देख लें, और सिंपल सा ही रखा है। यहाँ पे बर्थडे का बैनर है, बलून लगा दिया है, और टेबल जो है वो रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे केक आएगा, और जो केक स्टैंड था वो टूट चुका है, तो बस अब इसी पे मैं केक रख दूँगी। बस बहुत ही मैंने सिंपल सा रखा है, बट आई होप के जैसा सोचा है वैसा हो भी जाए। तो अब बस थोड़ी ही देर है, डिनर भी करेंगे और इंशाल्लाह केक भी काटेंगे। तो चावल फिर आपको पता है फ्रेश बनाने पड़ते हैं, वो तो देर इज़ नो वे कि इंसान एक दिन पहले से बना के रखे। तो यहाँ पे बस पहले यखनी रेडी हुई, उसमें मैंने ऑरेंज जूस भी ऐड किया, और इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही कम इसमें स्पाइसेस जाते हैं, ऑथेंटिक वाली ना मैं शेयर करूँगी, बल्कि मैं कोशिश करूँगी मेरी
अफगानी एक दो जानने वाली हैं, मैं उन देखूंगी अगर मुझे उनसे एक्चुअल रेसिपी मिली तो मैं ज़रूर लेके कुछ अपना उसमें टच ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने लेयरिंग कर दी, अब इसको दिया है दम, और केक के ऊपर बस यहाँ पे नाम लिखना रह गया था तो जल्दी से वो लिख लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सपोज़ आपकी सालगिरह है या कोई बिग डे है तो जब आपके घर वाले आपके लिए एफ़र्ट करते हैं तो आपको कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखिए कोई ऐसा मसला नहीं है, ये केक भी बाहर से मिल जाता है, खाना भी सब बाहर से मिल जाता है, कोई ऐसी बात ही नहीं। और आजकल तो इतनी चॉइसेस हैं बाहर, लेकिन ऑनेस्टली बताइएगा कि जब कोई बहुत प्यार से खुलूस से घर पे सारी चीज़ें आपके लिए बनाए मेहनत से तो कैसा लगता है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे बस अब मैं खाना निकाल रही हूँ, ये निहारी है, ये इसकी फाइनल लुक है, और यहाँ पे चावल जो है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें इतनी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं क्या ही आपको बताऊं। बिरयानी और पुलाव से हटकर अगर कोई राइस अगर आप बनाना चाहें ना तो काबुली पुलाव इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अब राइस भी जो है वो निकाल लेते हैं, ये देखें। और ये जिस जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं ना किया हुआ फिर ना कहना मैंने आपको नहीं बताया, यूज़र नेम है हुमैन द किचन, क्योंकि वहाँ गिव अवे वगैरह भी चलते रहते हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ तो वो आप मिस कर देंगे, तो बेहतर है कि आप लोग फॉलो कर लें। ये रहा टेबल सेटअप, मुझे ज़रूर बताएगा आपको कैसा लगा। हेयर स्टाइल किसने बनाया है? अनाया का। तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है, एक तरफ से उड़े हुए बाल। ओके आई विल फिक्स इट, आई विल फिक्स इट। ओके आप कुछ कहना चाहती हैं डैडी की बर्थडे पे? यस बोले। आई लव यू डैडी एंड इट्स हिज बर्थडे। आई हैव सम गिफ्ट्स फॉर हिम, कार्ड्स। आई मेड माय ओन कार्ड। वाओ ओन कार्ड। यस और क्या? And I'm gonna be very excited that I'm gonna cut the cake mm-hmm. and show the card to daddy. That's all I found. Okay. और किरत आप ने क्या किया है डैडी के लिए? मैंने कार्ड बनाया है और साथ में हैंडमेड गिफ्ट बनाया है और मैं डैडी को जो हूँ लवली हैप्पी बर्थडे विश करती हूँ। थैंक यू। चले मेक अ विश। और मेरी तरफ से पता क्या गिफ्ट है? ओके मेरी तरफ से गिफ्ट है ये खाना। अब इसे गिफ्ट समझे या जो भी समझे, खैर नहीं ये गिफ्ट नहीं है। गिफ्ट जो है ना वो इनका हमने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, लेकिन वो आया ही नहीं, तो जब आ जाएगा तो फिर इन्हें मिल जाएगा, क्योंकि ईद भी थी और साथ ही इनकी सालगिरह आ गई, तो इस वजह से जो है वो गिफ्ट पहुंच ही नहीं सका, डिलीवरी जो है वो लेट हो गई है। आप इसको कर लें। Make a wish. Okay, make a wish. Wish. Yes. I want to be with all of you for 100 years. 1 million. 1 million years. 1 million years. Okay. Book my name. Okay. So. Happy birthday. Thank you. Happy मेरी तो सारी दुआएं इनके लिए हैं, तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं। तो लेकिन ये है कि यहाँ पर मैं ये बस कहूँगी कि बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हैं, ही इज़ वेरी सपोर्टिंग, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, और बस अल्लाह ताला फराज को जो है बस सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे, हम सबके साथ ढेरों खुशियाँ दे। आमीन। थैंक यू। चार्ट ओके ओके अब बताएं इसमें क्या लिखा है, पहले मेरी तरफ करें, टर्न करें। डैड आई लव यू बट आई एम गिव यू अ गिफ्ट बिकॉज इट्स योर बर्थडे एंड आई एम गोना गिव अ ब्लाइंड बैग।
नीचे से ऊपर लिखा है और ये कौन है? Who is this? Daddy. Oh my God, ये किस किस्म का डैडी है? दिखाना जरा दोबारा से. या अल्लाह खैर. There's also another card. अच्छा ये ओके वो हो ये तो एक और कार्ड आ गया. ओके ब्लू डैडी. इधर डैडीज की हालत जो है ना और खराब हो गई. Okay. I made you a blind bag. Okay, थोड़ा और इधर करें, नजर नहीं आ रहा. I made you a blind bag, Faraz. Dad, birthday, Dad. Happy birthday, it's your. Because का बताएं क्या कह रही थी? Because. You need to pay for it. Okay, रत्ने तो काफी क्लियर लिखा है. Okay, you are one of the best parts of any life. Eve and I am so proud to call you daddy and I hope you have a wonderful happy birthday. Okay, बाहर से दिखाएं कार्ड. Thank you, Kiran. Thank you, Kiran. फिर ब्लाइंड फराज. ब्लाइंड कार्ड. कार्ड यू विल गेट थ्री. नो ब्लाइंड बैग. ओके फराज. ओके ब्लाइंड बैग. ओके स्क्वशी. कार्ड स्क्वशी. ओके यू विल गेट. You will get 3 stars. Okay. 3 stars, okay. खोले? हाँ खोले. But I didn't have time to make 3 stars. Okay. क्या मिला है भाई? ये salt है बड़ा. Oh God. और hair oil बना दिए. हमारे बच्चे भी hair oil की gift में भी स्कूशी पे भी hair oil बनाया. आपने hair oil की bottle क्यों बनाई स्कूशी पे? Because daddy loves to do hair oil. Okay. बालों का राज. ओके अच्छा तो ये ओके ये ओहो इसमें मर्सिडीज का ब्लाइंड बैग. ओके मर्सिडीज वाले ब्लाइंड हो जाएंगे ये सुन के कि उनके ब्लाइंड बैग्स आ गए. दिखा. ओह वाओ पढ़ने दे क्या लिखा है. ओह इस पे कार लगाई है. ओके फ्लिप इट. मर्सिडीज बेंज स्पोर्ट्स कार C300 ग्रे एपिक C class. Very nice. Squishy hai ye bhi. Thank you. Okay. Most expensive gift. What is this? You ever get. तो ये थी सिंपल सी सालगिरह जो हमने घर में ही की, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि द बेस्ट पार्ट वॉज के हम सब ने मिल के डिनर इन्जॉय किया और इसको सेलिब्रेट किया. बस अब यहाँ पे मैं किचन को समेट रही हूँ, थोड़ी सी फराज भी हेल्प कर रहे हैं माशाल्लाह. तो चलें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.